जय शनि देव मित्रों, हम इस वीडियो में सिर्फ सिंह लग्न के जातकों के लिए जून 2023 कैसा रहेगा सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। जून के महीने में सूर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन रहेगा और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का आप लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सर्वप्रथम चर्चा करते हैं आपके कैरियर संबंधित ये महीना क्या लेकर आया है। वर्तमान समय में गुरु और राहु की युति कुंडली के नवम भाव में है, जिसके कारण पिछले कुछ समय से यदि राहु द्वारा आपके भाग्य संबंधित कुछ रुकावटें आ रही थी तो वो धीरे धीरे दूर होती दिखाई देंगी। पिछले कुछ समय से यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, आपके बनते बनते कार्य रुक जाते थे, तो ये वो समय रहेगा जब आपका भाग्य आपका साथ देगा। आने वाले समय में आपके लिए कुछ नए अवसर गुरु द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ये समय आपकी यात्राएं आपके कार्य में आपके बिजनेस में बढ़ा सकता है। यदि आप अपने छोटे भाई बहन के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें स्थिरता आती दिखाई देगी। इस समय सूर्य और बुध आपकी कुंडली के दशम भाव में है और सूर्य कुंडली के लग्न भाव के स्वामी है, जिसके कारण ये समय आपको कुछ अकस्मात लाभ आपके कैरियर संबंधित दे सकता है, आपके बिजनेस संबंधित, आपकी नौकरी संबंधित दे सकता है। यदि पिछले कुछ समय से आप नौकरी ढूंढ रहे थे और उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस समय किसी प्रकार का कुछ अकस्मात लाभ, कुछ शुभ समाचार आपको मिलने की संभावना रहेगी। आपके रुके हुए कार्य पुनः प्रारंभ होंगे। इस समय प्रॉपर्टी संबंधित लाभ भी आपको मिल सकता है। इस समय शुक्र और मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में हैं, जिसके कारण ये समय विदेश संबंधित कुछ लाभ आपको दे सकता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको विदेश संबंधित तनाव देखने को मिल रहा था, यदि आपके वीजा संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था, आपका विदेश संबंधित किसी कार्य में बाधा आ रही थी, तो वो बाधा इस समय समाप्त होने की संभावना बहुत प्रबल रहेगी। आप यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में हैं, तो ये समय किसी प्रकार का अकस्मात लाभ आपको दे सकता है। वर्तमान समय में शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हैं और सप्तम भाव में शनिदेव दिग्बली होते हैं और इस समय शनिदेव आपकी कुंडली में शश पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। सप्तम भाव से शनिदेव की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर, लग्न भाव पर, चौथे भाव पर होगी। ये समय आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय रहेगा। इस समय आपके कार्यों में वृद्धि होगी, आपके बिजनेस में वृद्धि होगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ गए हैं, अर्थात यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ किसी प्रकार का कोई बिजनेस भी आप करना प्रारंभ करेंगे, जिसके शनिदेव द्वारा आपको अत्यंत शुभ फल आने वाले समय में मिलेंगे। ये समय और आने वाला समय आपका ये निर्धारित करेगा कि आपको आने वाले भविष्य में किस प्रकार का कैरियर चुनना है, किस प्रकार के कार्य में आपको वृद्धि मिलेगी। तो ये समय आप अधिक से अधिक मेहनत करें, जिससे आने वाले समय में शनिदेव द्वारा आपको अत्यंत शुभ फल देखने को मिलेंगे। 16 जून के बाद सूर्य का गोचर कुंडली के 11वें भाव में होगा, जिसके कारण आपकी प्रमोशन को लेकर यदि कोई तनाव बना हुआ था तो वो दूर होगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं और आपका प्रमोशन किसी कारण रुका हुआ था, उसमें विलंब आ रहा था, तो वो इस समय दूर होगा। इस समय आपकी मेहनत के अत्यंत शुभ फल आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आप अपने मित्रों के साथ किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी। आपको आपके सीनियर से सपोर्ट मिलेगा। किसी कार्य में आपको अपने मित्रों का अथवा आपके सोशल सर्कल में किसी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। जो लोग शेयर ट्रेडिंग में हैं, उन्हें भी इस समय कुछ अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। अब चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित ये महीना कैसा रहेगा। जून का महीना आपको मस्तिष्क से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या बढ़ा सकता है। यदि आपको माइग्रेन जैसी समस्या है, सिर में दर्द रहता है, डिप्रेशन जैसी समस्या थी, तो थोड़ा सतर्क रहे। 11 से 13 जून का समय आपको नींद आने में थोड़ी समस्या हो सकती है, आपकी बेचैनी बहुत अधिक बढ़ सकती है। ये समय आप मेडिटेशन अवश्य करें। 21 से 23 जून को आपको पेट से संबंधित कोई समस्या बढ़ सकती है। अब चर्चा करते हैं आपके वित्त संबंधित ये महीना क्या लेकर आया है। जून का महीना आपके वित्त संबंधित सकारात्मक समय रहेगा। इस महीने में आपको खर्चा करते समय बहुत अधिक सावधान रहना होगा। इस महीने में किसी प्रकार का कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जिसकी कल्पना आपने ना की हो। ये खर्चा आपके स्वास्थ्य संबंधित भी हो सकता है। 10 से 12 जून को आपको किसी प्रकार का कोई अकस्मात लाभ आ सकता है। 22 से 24 जून को किसी प्रकार के व्यर्थ खर्चे से बचें। अब चर्चा करते हैं आपके रोमांस और प्रेम संबंधित ये महीना कैसा रहेगा। जो जातक सिंगल हैं, उनके लिए रोमांटिक संभावनाओं का उछाल ये महीना ला सकता है। यह आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और आपके सोशल सर्कल को
बढ़ाने का एक उत्कृष्ट समय रहेगा। अपने जुनून और हितों के साथ संरेखित गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं, क्योंकि इससे समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ आप मिल सकते हैं, अपने आत्मविश्वास और जीवंत व्यक्तित्व को प्रदर्शित करना याद रखें, क्योंकि यह निसंदेह संभावित भागीदारों को आकर्षित कर सकता है। जो जातक रिलेशनशिप में है, जून का महीना आपके रिश्तों में मजबूती प्रदान करेगा। इस दौरान ग्रहों के प्रभाव आपके साथी के साथ बंधन को संवारने और मजबूत करने के महत्व पर जोर देंगे। एक स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए खुले और ईमानदार संचार को प्राथमिकता देना आवश्यक रहेगा। अपने साथी के लिए अपनी प्रशंसा और प्यार व्यक्त करें, उन्हें बताएं कि वे आपके लिए कितना मायने रखते हैं। किसी भी रिश्ते में संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सिंह के लिए यह कोई अलग नहीं है। जून 2023 में अपने साथी के साथ अपने संवाद कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को समझते हुए सक्रिय रूप से सुनने के लिए समय निकालें। अपने विचारों और भावनाओं को खुले तौर पर साझा करें। प्रभावी रूप से संवाद करके आप अपने परिजनों के साथ भावनात्मक संबंध को गहरा कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं आपके परिवार संबंधी यह महीना क्या लेकर आया है। जून का महीना आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ा सकता है। इस समय आपका अधिक वर्कलोड बढ़ने के कारण आप वर्क लाइफ को बैलेंस करने में असमर्थ महसूस करेंगे, जिससे आपके रिश्तों में तनाव बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहन के साथ रिश्तों में तनाव दूर होगा। अब चर्चा करते हैं वस्त्र की। जून के महीने में आप लाल रंग के वस्त्रों को ना धारण करें। जून के महीने में आप गहरे नीले रंग के वस्त्र और पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इस महीने में यदि आप 17 से 19 जून को सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं तो आपके मन में शांति की अनुभूति प्रदान करेंगे। अब चर्चा करते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें जून के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। वंचित और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को नियमित दान करें, भगवान शिव की पूजा करें और नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। देवी दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करें या दुर्गा पूजा करें। शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन करने से बचें, क्योंकि कहा जाता है कि इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। मन को शांत करने और नकारात्मक ग्रहों की ऊर्जाओं के प्रभाव को कम करने के नियमित ध्यान और योग करें। राहु को प्रसन्न करने और इसके हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए राहु बीज मंत्र का जाप आपने अवश्य करना है। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उन्हें 1 जून और 15 जून को प्रदोष व्रत करना है। इस दिन आप सूर्योदय होने से पूर्व उठें, स्नान करें और शिव मंदिर जाएं। आपने वहां बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपने करना है। इस दिन आप शिव चालीसा पढ़ें, छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये था सिंह लग्न के जातकों के लिए जून 2023 कैसा रहेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।